नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं फार्म ट्रैक 35 के बारे में। चैंपियन जो कि एक 35 HP से लेकर 38 HP श्रेणी का ट्रैक्टर है, ऑलराउंडर के नाम से ट्रैक्टर आता है। मतलब आप इस ट्रैक्टर को किसी भी काम में यूज कर सकते हो। बात करें ट्रैक्टर की लुकिंग की, तो काफ़ी शानदार तरीके से ट्रैक्टर को कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। कंपनी फिटेड इसमें कंपनी बम्पर देती है। और बात करें फ्रंट से ट्रैक्टर की, तो कुछ इस प्रकार आपको ट्रैक्टर फ्रंट से दिखाई देगा। ऊपर फार्म ट्रैक की ब्रांडिंग दी हुई है 3D में, नीचे 35 लिखा हुआ मिल जाएगा। जाली जो दी हुई है वो लंबी जाली दी हुई है, जिससे आपके ट्रैक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा अंदर हवा जा सके और बिना गर्म हुए इंजन लगातार लंबे समय तक काम कर सके। साइड में लाइट दी हुई है। और बात करें फ्रंट एक्सल की, तो स्टेयर टाइप का आपको फ्रंट एक्सल इस ट्रैक्टर मिल जाएगा। काफ़ी हैवी एक्सल दिया हुआ है। पावर स्टीयरिंग एक राड के साथ ट्रैक्टर आता है। और 6/16 के आगे के आपको इस ट्रैक्टर में जो टायर है वो मिल जाएंगे। 3 सिलेंडर का इस ट्रैक्टर में आपको इंजन मिल जाएगा, जो कि बोस कंपनी का दूसरी कंपनी का दिया हुआ है। और एक नीचे प्रेशर दिया हुआ है, जिससे आप अपना प्रेशर रिलीज कर सकते हो। एक डीजल फिल्टर दिया हुआ है, जो बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी का डीजल फिल्टर इसमें कंपनी देती है। एक वाटर सेपरेटर दिया हुआ है, जैसे आपके ऑयल में पानी वगैरह जाए उसके लिए दिया हुआ है। और बात करें ट्रैक्टर के पीछे जो प्लेटफार्म दिया हुआ है, काफ़ी खुला प्लेटफार्म आपको मिल जाएगा। 38 HP जो लिखा हुआ है कंपनी ने, 38 HP का ट्रैक्टर है। जो इंडिकेटर दिए हुए हैं वो 4 फुट टाइप के इस ट्रैक्टर में आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे। काफ़ी खुला प्लेटफार्म का ट्रैक्टर है। और बात करें ट्रैक्टर के ऊपर से, तो ऊपर से आपको कुछ इस प्रकार ट्रैक्टर दिखाई देगा। एक छोटा सा स्टेयरिंग दिया, बिल्कुल आप एक हाथ से आराम से घुमा सकते हो। जिसमें मीटर की बात करें, तो मीटर कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देंगे, जिसमें आपके फूल और कितना ट्रैक्टर गर्म हुआ है, कितने RPM, मतलब हर चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी। नीचे जैसे आप कल्टीवेटर रोटावेटर वगैरह चलाते हो, तो गियर की जानकारी यहाँ से आप ले सकते हो। हर चीज़ दी हुई है ट्रैक्टर में। एक जो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, जिसमें जैसे आप लगातार लंबे समय तक काम करते हो, तो अपना मोबाइल भी चार्ज यहाँ पे आप लगा सकते हो। बात करें नीचे इस ट्रैक्टर की, तो साइड में एक हैंडरेस्ट दी हुई है। पार्किंग का बट स्विच मिल जाएगा आपको, जिससे आप अपना ट्रैक्टर पार्किंग कर सकते हो। और जो चाबी का और ट्रैक्टर के बंद करने का, दोनों एक जगह आपको मिल जाएगी। एक हॉर्न का दिया हुआ है, लाइट का सिस्टम दिया हुआ है, जहाँ से आप अपनी लाइट ऑपरेट कर सकते हो। गियर की बात करें, तो सेंट्रल गियर में आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा, जिसमें आपको 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स, यानी कि 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स हाई लॉक के लगा के दोनों ये आपको मिल जाएगा। सिंगल क्लिच में ट्रैक्टर आता है, जिससे आप आराम से ऑपरेट कर सकते हो क्लिच से। और बात करें इस ट्रैक्टर के ब्रेकों की, तो ऑयल में डूबे हुए इस ट्रैक्टर में आपको ब्रेक मिल जाएंगे, जिससे आपके ब्रेकों की घसाई भी कम होगी। और एक हैंड लॉक दिया हुआ है, जहाँ से आप अपने ट्रैक्टर को लॉक कर सकते हो। और ड्राफ्ट और पोजीशन लीवर आपको साइड में मिल जाएंगे, कुछ इस तरह दिए हुए हैं ट्रैक्टर में, जहाँ से आप अपनी लिफ्ट एडजस्ट कर सकते हो। साइड में बात करें, तो एक टूल बॉक्स दिया हुआ है, जहाँ आप अपने सामान जैसे कीमती टूल्स यहाँ आप अपने रख सकते हो और लॉक कर सकते हो यहाँ से आप, जिससे पानी वगैरह भी नहीं जाए ऊपर से। और एक हैंडल दिया हुआ है, जैसे आप ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ते हो, तो यहाँ से आप आराम से पकड़ के ट्रैक्टर के ऊपर आराम से बैठ सकते हैं। साइड की बात करें, तो साइड में आप देख सकते हो एक फिल्टर दिया हुआ है, नीचे स्टार्टअप मोटर दी हुई है, एक और फिल्टर दिया हुआ है ऑयल का, और एक जो अल्टरनेटर दिया हुआ है वो ट्रैक्टर साइड में। बैटरी बॉक्स भी इस ट्रैक्टर में आपको साइड में ही मिलेगा, जो बहुत ही सेफ गार्ड से कवर किया हुआ है। प्लेटफार्म की बात करें, तो कुछ इस तरह आपको प्लेटफार्म दिया हुआ है, बिल्कुल आराम से आप पैर रख के ट्रैक्टर के ऊपर बैठ सकते हैं। पिछले टायरों की बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको पीछे के जो टायर दिए वो 13/28 में इस ट्रैक्टर के टायर मिल जाएंगे। 5 ईयर की वारंटी के साथ यह ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा, जिसमें अगर कोई कंपनी फॉल्ट का वो करती है, अगर कहीं फॉल्ट आ जाए ट्रैक्टर में, तो आपको हो जाएगा क्लेम। पीछे एक नाइट के जब आप यूज़ करते हो ट्रैक्टर को, तो एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है सीट के पीछे, एक पानी रखने के लिए जो जगह दी हुई, जहाँ आप अपने पानी रख सकते हो। और एडजस्टेबल इस ट्रैक्टर में आपको सीट मिल जाएगी। नीचे बात करें, तो नीचे के जो इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे आप डंपर में लाइट ले जाना चाहो, तो यहाँ से कनेक्ट करके आप डंपर या थ्रेसर में लाइट ले जा सकते हैं आराम से। और जो इसकी सेंसिंग है वो इस तरह आपको मिल जाएगी। और जो वॉल है वो कंपनी फिटेड इस ट्रैक्टर में आपको वॉल मिल जाएगा, जो आपको बाहर लगवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप अपने डंपर कनेक्ट कर सकते हो आसानी से। और जो हिच दिया हुआ है ट्रैक्टर का, वो काफ़ी एडजस्टेबल हिच मिल जाएगा आपको,
जहाँ आप अपनी जरूरत के हिसाब से ऊपर या नीचे कर सकते हो। लिफ्ट की बात करें तो इसमें आपको 1500 से लेके 1800 केजी तक की हैवी लिफ्ट कैपेसिटी इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाएगी। एक लाइट दी हुई, जैसे आप रात को काम करते हो तो यहाँ से आप अपने ऑपरेट कर सकते हो। स्विच इसके बिल्कुल आपको पीछे मिल जाएगा। तो पीछे से कुछ इस प्रकार आपको ट्रैक्टर दिखाई देता है। तो किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करें और वीडियो को